हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आपके जीवन में वो कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी सिचुएशन में आप स्टक हैं जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो व्यूअर्स, हमारा फर्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन मकर, वृषभ कन्या, कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो। हमारा नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सोर्स। एयर साइन कुंभ मिथुन तुला, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा। नेक्स्ट कार्ड आया है द लवर्स, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनाई। हमारा नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सोर्स, यहाँ भी एयर साइन है कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा। व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपकी सिचुएशन से आपसे मैच करेगी। आई होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कार्ड से। थ्री ऑफ पेंटिकल्स में आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। एक पर्सन है जो कुछ बिल्डअप करने में लगा है और दो पर्सन खड़े हैं, शायद उनको हेल्प चाहिए, ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट आप स्टक हैं किसी के साथ, किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आया है थ्री ऑफ सोर्स जो हार्ट ब्रेक को दिखाता है। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हों, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन पहले से मैरिड है और आपको शायद ये बात पता हो या ना हो, बट आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन और लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास आया है थ्री ऑफ सोर्स जो हार्ट ब्रेक को दिखाता है। इससे पहले कि कोई आपका दिल तोड़कर चला जाए, आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको ना तो पूरी तरह से वैल्यू मिलेगी, ना ही आपकी रिस्पेक्ट होगी और ना ही समाज आपको एक्सेप्ट करेगा। हमारा नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सोर्स। तो देख रहे हैं ना, यहाँ एक व्यक्ति है जो रात को उठकर रोता है, वो बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है अपने दर्द और पेन के सिवा। उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है फिर भी उसको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। वो सिर्फ अपने दुख में, दर्द में ही मुब्तिला है, उसे एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। तो व्यूअर्स, अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो आपको उस एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर आ जाना चाहिए और आँख खोल कर देखें कि नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। द लवर्स का कार्ड हमारे पास आया है, न्यू लव आपका इंतज़ार कर रहा है। आप उस सिचुएशन से, उस स्टक एनर्जी से बाहर लाएँ खुद को और फिर आँख खोल कर देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको खुशियां देना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर द लवर्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में न्यू लव आने वाला है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है और ये न्यू पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं जो आपके जीवन में गॉड ने भेजे हैं। तो व्यूअर्स, जब तक आप अपनी पास्ट की उस एनर्जीज में स्टक रहेंगे तो आप अपने लिए कुछ नया अचीव नहीं कर पाएंगे। व्यूअर्स, आप भी अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं जिससे आपको बाहर आना चाहिए, आपको सेल्फ लव करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। जब आप सेल्फ लव करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तब आप देखते हैं कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लग जाती है। क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, हम किसी से प्यार भी नहीं कर सकते, उसको वो बस। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही है कि आपको थर्ड पार्टी से बाहर आना है, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आना है, क्योंकि न्यू लव आपके जीवन में आने वाला है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है।